ये जो चुनाव है, इस चुनाव में वी आर नॉट वोटिंग फॉर बीजेपी, वी आर वोटिंग फॉर भारत। हम बीजेपी के लिए वोट नहीं कर रहे, हम भारत के लिए वोट कर रहे हैं। हम बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे, हम भारत के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि एक सेफ भारत, एक अच्छा भारत, एक प्रगतिशील भारत और एक प्रगतिशील राज्य कर्नाटक अगर हमको तैयार करना है तो केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। भारत का भविष्य और भवितव्य ये केवल मोदी जी के हाथों में सेफ है, इसलिए हम लोग इस चुनाव में उतरे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने आया हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको एक संदेश दिया है, ये लड़ाई बूथ में लड़नी है, बूथ में ये लड़ाई हमको बूथ में लड़नी है। हम सारे के सारे नेता बनकर हमारे एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते रहे, हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमते रहे, हमारे गांव में घूमते रहे, कोई फायदा इसका नहीं है। फायदा किस चीज का है? एक ही चीज का फायदा है, हम लोग बूथ में काम करें। आज हम लोगों ने बूथ की सारी व्यवस्था खड़ी की है और हर बूथ में मोदी जी की सरकार का बेनिफिशियरी है, उस बेनिफिशियरी तक जाकर उसको मोदी जी के प्रति एक बार आवाहन करना है, उसको अपील करनी है कि देखिए हमारी सारी स्कीम्स का बेनिफिट, मोदी जी की स्कीम्स का बेनिफिट आपको मिला है, आगे भी आपको बेनिफिट देना है, इसलिए मोदी जी की सरकार चुनकर लानी है। ये हमको यहां पर करना होगा।